देखिए कुछ लोग और खासतौर पर विपक्ष कल के घटना को तूल देने की कोशिश की जा रही है। अब तो जहां तक मेरा सवाल है, गांधी मैदान में लंका दहन के कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंचा, उसका कारण यह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के कई हिस्सा में आज भी जल जमाव से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं। कई लोगों को दशहरा नहीं मनाना पड़ा, कैसे मनाते हैं? कई महिलाएं जो है वो पंडाल तक नहीं जा सकी। उनकी समस्या के निदान के लिए मैं लगातार 3 दिन से नगर विकास और जिला प्रशासन के सहयोग से पानी निकासी का काम कर रहा हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और नगर विकास मंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री का, जिनका संज्ञान लाने पर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिया और वहां के जो नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव हैं श्री चैतन्य प्रसाद जी, मेरे साथ जब गांधी मैदान में फंक्शन हो रहा था तो वो मेरे साथ दानापुर के तमाम इलाकों का दौरा कर रहे थे जहां जल जमाव था और जल निकासी का प्रबंधन में लगे हुए थे। और आम तौर पर मैं कुछ 12-15 साल से मैं वहां नहीं जाता हूं, क्योंकि हमारे संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में आम तौर पर इस तरह का कार्यक्रम होता है, मैं शरीक होता रहा हूं। आप लोग के बारे में कहा गया है, जेडीयू की तरफ से कहा कि ये तरीका सही नहीं है, गलत मैसेज जाता है इससे। नहीं, क्या गलत मैसेज? जेडीयू की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से आप लोगों ने नेम प्लेट लग गया, सब कुछ लगा गया, 2 घंटे पहले तक ये कहा जा रहा था कि आ रहे हैं और उसके बाद अगर आप लोग नहीं। देखिए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह की मैं पीड़ा में, जनता की जो पीड़ा थी, जो हमारी पीड़ा थी, उसके निदान के लिए हम प्रयास कर रहे थे, हो सकता है कि हमारे जो माननीय विधायकगण हैं वो कर रहे हैं। और रविशंकर जी ने तो ऑलरेडी पहले से कर रखा था कि जिस तरह से जल जमाव और बरसात में लोगों को तकलीफ हुई है, तो बहुत ऐसे घर हैं जहां दशहरा नहीं हो सका, तो मैं उसके साथ खड़ा हूं, मैं दशहरा नहीं मनाऊंगा। और उन्हें पहले से घोषणा कर दिया है, मीडिया को पता है ये सब और जनता को भी पता है, विधायकगण उसी काम में लगे होंगे। अब एक तरफ जनता समस्याओं से जूझ रही हो, घर में हमारी विपत्ति हो, घर है हमारा, परिवार के लोग हैं, हम अगर प्रतिनिधि हैं तो परिवार के लोग, लाखों लोग संकट में, और मैं दशहरा मना रहा हूँ, कैसा मैसेज जाएगा? कितना अच्छा नहीं लगेगा, उनके मन पर चोट आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरह का कोई विवाद नहीं है। लेकिन कोई भी नहीं गए, मतलब आपके मेयर तक नहीं गए, एक पार्षद तक नहीं गए, तो फिर आप देख रहे थे? हाँ, कोई नहीं गया। नहीं, आप देख रहे थे? सुषमा साहू जी कौन है? सुषमा साहू जी रिप्रेजेंट, यही तो क्या बात करते, पार्षद रिप्रेजेंट करता है, सुषमा साहू पार्टी के सीनियर नेता है, केंद्रीय मंत्री जाते थे, सब कुछ जाते। तो क्या आपका ये मैंने बताया ना, मैंने बताया वजह, बता मैं तो अपनी वजह बता दिया। रविशंकर जी उप मुख्यमंत्री जी नहीं थे, पता कर लीजिए थे कि नहीं थे। मतलब आप मानते हैं कि मतलब इस तरीके जो आपदा आई हुई है पूरे पटना में, इसमें इस तरह का फंक्शन नहीं आयोजन होना चाहिए? नहीं, फंक्शन का, ये पटना का, बिहार के लोग उसमें आते हैं, बिहार के लोग आते हैं। पटना का बहुत ऐसा पार्ट जो है वो कष्ट में था। अब सरकार तो सबकी होती है ना, तो सुख दुख के साथ ही तो सरकार को करना है, तो इसको विवाद नहीं बनाया जाए, कहीं कोई अदरवाइज नहीं है, एक संयोग मात्र था कि इस तरह का संकट में लोग फंसे हुए लोग को अपने अपने ढंग से निदान, कहीं को मेडिकल कैंप जाए, देखिए मेडिकल कैंप लग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना लोगों में गुस्सा और आक्रोश से देखे हैं जाकर के, आप लोग पता करिए ना, इसी इलाके के निचले हिस्से में पानी है, आप जाकर पता करिए। अभी लोग बोल रहे थे कि चल के देखिए, पूछिए इन लोगों से, मैं जहाँ खड़ा हूँ, तो उसकी वेदना, उसकी पीड़ा को कौन देखेगा? हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम हर्षोल्लास में भी शरीक रहेंगे और गम में भी शरीक रहेंगे, मगर हमारा दायित्व यह है कि हमारे लोग अगर गम में हैं तो उसके साथ खड़ा रहें, उनके गम को निदान करने के लिए प्रयास करें, और उसको पोलिटिकलाइज किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पूरे तौर पर कहीं कोई मतभेद नहीं है, एनडीए चट्टान की तरह मजबूत है, किसी के साजिश करने पर भी कुछ नहीं होने वाला है, कितना भी विपक्ष छेनी हथौड़ी मारने की कोशिश करेगा तो ये चट्टानी एकता टूटने वाली नहीं है, मजबूती के साथ। एक बात मैं विपक्ष, अरे बाबा विपक्षी सवाल कर रहा है, आपके गठबंधन के नेता बोल रहे हैं, आप सांसद रहे हैं, मेयर रहे हैं 15 साल से, नहीं ऐसा ऐसा, आपने पटना को, हमने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, ये विपक्ष नहीं है, जदयू के नेता नहीं, नहीं ये टीवी पे बयान दे रहे हैं, ये आप लोग इसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
सबका यह दायित्व है, अगर सरकार ने पैसा का प्रबंध किया और पॉलिसी बनाया कि बरसात के पहले सारे नालों की उड़ाही करनी है, सम्प हाउस चालू करना है, तो क्या एमएलए एमपी सम्प हाउस चालू करेगा? सरकार जाकर के वहां नाला की सफाई करेगा कि उसके लिए धन मुहैया कराना है? एजेंसी है, एजेंसी बुटको था, एजेंसी नगर निगम था। अब जब वहां के अधिकारी नाकारा और निकम्मा हो जाए और अपने दायित्वों का निर्वहन न करे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मगर सरकार ने ये कहा है कि हम किसी को बकसने वाले नहीं हैं, इसकी जांच होगी और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। क्या अब आपके अधिकारी बात सुन रहे हैं जब आपने सवाल उठाया मुख्यमंत्री? हाँ हाँ बिल्कुल, अब आपकी सारी बात बिल्कुल सारे अधिकारी सवाल सुन रहे हैं, सारे अधिकारी उसकी निदान के लिए प्रयास कर रहे हैं। तभी तो 3.5 घंटे तक चेतन प्रसाद जी नगर विकास के प्रधान सचिव मेरे साथ घूमते रहे और दानापुर की समस्या के लिए मुझे जानकारी है मुख्य सचिव स्तर पर एक बैठक भी हुआ है ताकि वहाँ जल जमाव से जूझ रहे लोग उसका निदान हो सके। और मैंने सिर्फ अपने क्षेत्र के कई इलाकों की समस्या की जानकारी नगर विकास माननीय मंत्री जी मीटिंग भी किए थे और नगर सचिव को डायरेक्शन हुआ है सारे अधिकारियों को।